Welcome to Advancing Academy. This is another session on permutation and we are discussing permutation. This is a video lecture number 12 and I hope you have already watched part 1 to part 11 before watching part 12. So today we are going to discuss some more extensive questions of the previous lecture and now try to understand this. Some questions are there. A set of 4 multiple choice question is given in a test. A student, each question has one or more correct answer. How many ways answers can be given by the students. And if all students have given different answers, then how many students are in class? Can we also hear a question that if none of them has given all correct answers like that? So how to deal with such question? Each question can be answered in how many ways? तो पहला question answer करने के कितने तरीके? हर एक question के 4 answer हैं. जैसा कि अभी आप IIT के क्लास में करते हैं, ये मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, इसके सामने ए बी सी डी 4 ऑप्शन बने हैं, चारों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, मे बी वन करेक्ट. कितने तरीके से आंसर दिया जा सकता है मोर और वन करेक्ट आंसर के केस में? पहले क्वेश्चन के आंसर देने के कितने तरीके हो सकते हैं पॉसिबल, बताओगे? अगर एक ऑप्शन सही हो तो क्या आंसर होगा? एक ऑप्शन सही होगा तो ऐसी स्थिति में इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं. लेकिन एक कौन सही है, ये भी सही हो सकता 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 है. तो चारों में से कोई एक सही हो सकता है. पहले क्वेश्चन के आंसर देने के चारों में से कोई एक तरीका होगा, यानी 4 तरीके हो सकते हैं. अगर 2 करेक्ट करें तो उसके आंसर होंगे कितने? 6 तरीके होंगे. अगर 3 हो तो ये इस तरीके से हम इसके एक शॉर्टकट तरीका यहां पे बताते हैं कि आउट ऑफ, यह भी फिलहाल इसके लिए याद रखें, एन थिंग्स वन और मोर कैन बी सिलेक्ट इन 2^n-1 वेज. अभी के लिए इसको याद रख लो बच्चों, फिर आगे हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है. ये पॉइंट याद कर लीजिए, आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स one or more can be select in 2^n-1 ways. So here out of four choice one or more answer can be select in 2^4-1, that is 15 ways, right? So each question can be answered in 15 ways. आगे आपको हम बताएंगे, अभी तो combination नहीं बताया है, ये होता ऐसी है. फिलहाल reference के लिए लिख देता हूँ बच्चों कि 4 में से एक select कर लें, 4C1. अभी आपने combination नहीं पढ़ा है इसलिए,
ये अभी बताना जायज नहीं था, फिर भी क्लैरिटी के लिए 4C2, 4C3, 4C4 ये होता है। 4C1 चार में से कोई एक चुने तो 4C1, 4C2 चार में से कोई दो चुने, चार में से कोई तीन ऑप्शन अगर करेक्ट हो तो, और चार में से चारों करेक्ट हो तो, ये कैलकुलेट करने पर 4 + 6 + 4 + 1 यानी 15 होगा। तो इस तरीके से हम 15 डिफरेंट तरीके से हम पहले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर पहले क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो 15 तरीके से दिया जाए, इसमें छोड़ने वाला ऑप्शन नहीं है। तो पहले क्वेश्चन के आंसर देने के कितने तरीके हो गए? 15। दूसरे क्वेश्चन के आंसर देने के भी किसी तरह से कितने तरीके होंगे? 15। तीसरे क्वेश्चन के आंसर देने के भी 15 और चौथे क्वेश्चन के आंसर देने के भी 15। सो ईच क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड हियर, ईच क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड आंसर्ड इन 15 वेज एंड देयरफॉर 4 क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड, क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड answered in 15 into 15 into 15 into 15 ways, right? That is 15 into 15 is 225 into 225, and 225 square is 625, and 25 to your 50. So 50,625 ways, that will be the answer of this question. इतने तरीके से आंसर दिया जा सकता है। अगर क्लास के सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए हैं तो 50,625 बच्चों ने मैक्सिमम क्लास पार्टिसिपेट किया होगा, ये हो सकता है, ठीक है? 50,625 बच्चों ने मैक्सिमम पार्टिसिपेट किया होगा, तो इस तरीके से ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरीके से ये आंसर लिख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को आंसर देने के कितने तरीके होंगे? 15। एक आंसर देने के चार तरीके, कैसे? या तो ए आंसर दे, या बी दे, या सी दे, या डी दे। तो चार आंसर हुए कि नहीं हुए बताओ? चारों में से कोई एक आंसर दे तो उसके चार तरीके हैं, चारों में से कोई दे आंसर दे तो उसके छह तरीके होंगे, कैसे? ध्यान से देखो, या तो आंसर दे दे ए बी, या ए सी, या ए डी, या बी सी, या बी डी, या सी डी। छह आंसर हुए कि नहीं हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसलिए चार में से कोई दो आंसर देने के छह तरीके हो गए, चार में से कोई तीन आंसर देने के चार तरीके होंगे, कैसे? ए बी सी, ए सी, ए बी सी और ए सी डी और ए बी डी और बी सी डी, ये चार आंसर हो जाएंगे। तो चार में से तीन आंसर देने के भी चार तरीके होंगे, और चारों आंसर देने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? ए बी सी डी। तो ये आंसर बन रहे हैं। एक आंसर देने के तरीके हो सकते हैं ए बी सी डी। तो ये 15 ये डिफरेंट टाइप के आंसर हो गए, जो कि 15 तरीके से आंसर दिए जा सकते हैं। इसलिए बच्चों आपको सलाह दी जाती है कि मोर देन वन चॉइस वाले क्वेश्चन में आंसर करना बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। गेस मत मारो, क्योंकि गेस में क्या होगा कि आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/15 होगी। इस 15 में से आपका एक आंसर सही है और आपकी प्रोबेबिलिटी 1/15 मतलब 0.6% लगभग होगी। 1/15 यानी 6% आपकी प्रोबेबिलिटी होगी लगभग सही होने की, और 94% प्रोबेबिलिटी होगी गलत होने की। तो आप उस समय क्या होगा, 6% के लालच में 94% जिधर है उधर ज्यादा चांसेज है, यानी लगभग 15 गुना ज्यादा चांसेज है कि आपके नंबर माइनस होंगे, जाएंगे, और 6% चांस है कि नंबर आएंगे। तो आपको अननेसेसरली उसमें गेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसी दिक्कत हो सकती है 15 तरीके से, और तभी ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जहां पे मोर देन वन चॉइस होता है। आपको सॉल्व करने में बहुत वक्त लगेगा और बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, और उसके बावजूद भी सही होगा इसकी गारंटी नहीं होती है। एक भी अगर गलत हो जाए, एक भी ऑप्शन आपने नहीं लिखा, तो आंसर गलत हो सकता है, ठीक है? चलिए अब एक सवाल करते हैं।
बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा खुश हो जाइए। इन ए पार्टी ऑफ चिल्ड्रेन, इन ए पार्टी ऑफ चिल्ड्रेन ईच चाइल्ड गिफ्ट प्रेजेंट गिफ्ट टू अदर्स, प्रेजेंट गिफ्ट टू अदर्स। The total number of gifts distributed in that party is 132. Find the number of children present in that party. यहां पे गिफ्ट लेने का अलग है, देने का अलग है, अरेंजमेंट करनी है गिफ्ट की, अरेंजमेंट लेने का अलग, देने का अलग। आपने किसी को पेंसिल दिया, उसने आपको डायरी दे दिया, तो ये अलग अलग होगा। ऐसे स्थिति में नंबर ऑफ गिफ्ट्स, टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ सॉल्यूशन कैन बी लाइक दिस, इफ लेट देयर आर n children in the party, children, n children are in the party, so gift exchange between two na, so total number of gift distributed will be, therefore total number of gifts distributed will be np2, एन में से दो दो को अरेंज करने के तरीके। तो एन पी टू कितना होगा, पिछले दिन हमने आपको सिखाया था, दो बार घटते हुए लिख दो, और यहां पे कितने गिफ्ट्स हैं, 132 इज इक्वल टू एन पी टू, और एन पी टू को कैसे लिखेंगे, दो बार घटते हुए लिख देंगे। दिस इंप्लॉई एन इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 12 इंटू 11 लिख सकते हैं क्या 132 को, बताओ। और ऐसी सिचुएशन हो तो बड़ा वाला बड़े वाले के बराबर कर लो, या छोटा वाला छोटे वाले को बराबर कर लो, यानी पार्टी में 12 बच्चे थे, बड़ा वाला बड़े वाले के बराबर, या आपका दिल कर रहा है कि छोटा वाला को छोटे वाले के बराबर करें, तभी n 12 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी को आप कर सकते हैं इक्वेट, बिकॉज ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, एक नंबर ये और एक नंबर ये, ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, ये भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, इसलिए हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे वो कैसे करेंगे, तो वो करेंगे ऐसे, वो इसको करेंगे ऐसे कि n into n minus 1 is equal to 132, n square minus n minus 132 is equal to 0, तब वो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसको लिखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा, तो माइनस 12n प्लस 11n लिख सकते हैं इनको, माइनस 132 इज इक्वल टू 0, n कॉमन ले लिया n माइनस 12, 11 कॉमन ले लिया n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n माइनस 12 कॉमन ले लिया n प्लस 11 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू या तो 12 या n माइनस 11, बच्चों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए n 12 होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शॉर्टकट तरीके से करें, ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब किसी को अगर फॉर्मूला नहीं याद होता तो वो कैसे करता, आप सोचो कैसे सोचेंगे, हाउ टू इनिशिएट दिस। मान लो कि आप पांच लोग हो, पांच बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, सब पांच आपस में दोस्त हैं, और स्कूल का कॉलेज का लास्ट डे है, और आप पार्टी करना चाहते हो, गिफ्ट सबके लिए देना चाहते हो, पांच दोस्तों का ग्रुप है, आप अपने घर से, आप उनमें से एक हो, आप अपने घर से कितने गिफ्ट लेके आओगे, 4, बाकी चार को देने के लिए, खुद को गिफ्ट थोड़े ना देते हैं आप, बाकी चार को देने के लिए चार गिफ्ट लेके आओगे, इसी तरह से आपका दोस्त भी कितना गिफ्ट लेके आएगा, 4,
तीसरा दोस्त भी कितना लेके आएगा 4, चौथा दोस्त भी 4, पांचवा दोस्त भी 4, सब 4-4 गिफ्ट लेके आएंगे और टोटल पांचों बच्चों के गिफ्ट टोटल कितने हो जाएंगे? अगर पांच लोग 4-4 गिफ्ट लेके आएंगे तो कितने गिफ्ट हो जाएंगे? 20. 5 × 4. If there are 5 friends in a group, then each one of them will brought 4 gifts, right? And total number of gift would be 5 × 4. 10 बच्चों का ग्रुप है, हर एक बच्चा कितना गिफ्ट लेके आएगा? 9. तो 10 × 9 क्या हो जाएगा? 90. यहाँ पर भी ऐसे ही, अगर n बच्चे होंगे तो n माइनस वन गिफ्ट लाएंगे और टोटल गिफ्ट कितना हो जाएगा? n × n − 1 = 132. अब आगे कहानी तो यही है, आपको बिना फॉर्मूला लगाए भी बन सकता है n = 12 आंसर. ये फ्यू सेकंड्स में हो जाएगा. ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. ठीक है, ओके. सो आई होप यू गॉट इट विद फॉर्मूला एंड विदाउट फॉर्मूला. अब एक सवाल देखिए. देयर आर 10 लॉक्स and their 10 respective keys are placed in jumbled situation. Jumbled situation. Mixed together. What will be the maximum unsuccessful attempt? Can be made to identify key of respective lock. This is the question. What will be the maximum unsuccessful attempt that can be made to identify the key of respective lock? Now, what will be the solution? Think about this. This is the key and here is the key lock. And there is a here. One key is there, like this, and here, like this. This is the key. One lock is there, and you want to know what will be. There are 10 keys. आपने एक lock लिया और 10 चाबी ली और पहली चाबी को लगा के देखा, नहीं खुला. हो सकता है नहीं खुले. दूसरी चाबी को लगा के देखा, नहीं खुला. तीसरी को लगा कर देखा, तब भी नहीं खुला. चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं तक ट्राई कर लिया, नहीं खुला. इसका मतलब क्या है? जो दसवां चाबी रह गया है वही इसका चाबी होगा. तब मना नहीं करेगा, तब खुलेगा ही खुलेगा. दसवां चाबी से ये पक्का खुलेगा ही खुलेगा. 9 चाबी से ये नहीं खुल सकता है. रफ केसेस में, मैक्सिमम एडवर्स सिचुएशन में, बहुत बुरी स्थिति होगी तो हो सकता है कि पहले 9 चाबी लगाए, 9 बार कामयाब नहीं हुए, लेकिन 10वीं बार में पक्का कामयाब होंगे. तो कामयाब नहीं कितनी बार हुए? मैक्सिमम 9 बार. पहली ताले की चाबी पता करने में कितनी बार प्रयास करना पड़ा? 9 बार. अनसक्सेसफुल 9 बार, 9 टाइम्स. फर्स्ट की कैन बी मैक्सिमम अनसक्सेसफुल फॉर टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ unsuccessful attempts to identify by key of first lock is how many? 9. Is 9 the maximum number of unsuccessful attempts to find key of second lock? कितना हो गया? एक lock एक key अलग हो गया. ठीक है, एक लॉक एक की अलग हो गया, तो इसका मतलब आपके पास अभी भी 8 लॉक और 8 कीज बचे हैं. अब बताओ, 9 लॉक एक अलग हो गया, एक लॉक.
अब 9 लॉक्स और 9 कीज बचे हैं, तो फिर कितनी बार मैक्सिमम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा? 8 टाइम्स, तो ये होगा 8। फिर अब आपके पास 8 बचा है और 8 लॉक 8 कीज, तो थर्ड के लिए कितना? 7। इसी तरह से जब आखिरी में आपके पास 2 लॉक और 2 की बचा होगा तो कितनी बार अटेम्प्ट करोगे? रफ केसेस में, एडवर्स सिचुएशन में हो सकता है कि फिर आपने एक ताला में चाबी लगाई और वो उसका चाबी नहीं निकला, तो इसका जो बच गया है उसका चाबी होगा, यानी एक ही बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा। तो लास्ट के लिए इसी तरह से क्या होगा? 1 तक। सो टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट unsuccessful attempts will be what? 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, yani kitna hoga? Ye ho gaya sum of 9 natural number, and sum of 9 natural number is 9 into 9 plus 1 10 divided by 2, that is 45. Sum of first and natural number n into n plus 1 by 2, तो 9 तक का निकालना है, तो 9 into 9 plus 1 that is 10 divided by 2 is 45। अगर ये पता नहीं हो तो आप इसको जोड़ के भी देख सकते हैं, है ना? बस इसमें ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Sum of first and natural number होता है sum of first and natural number n natural number होता है n into n plus 1 by 2, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के अगर n तक हो तो ये होता है n into n plus 1 by 2, तो 9 तक है तो 9 और 9 plus 1 10 divided by 2, तो इस तरीके से ये सवाल होगा। और 45 जो है maximum unsuccessful attempt हो सकती है जो इसको lock को खोलने में लगेगा, ठीक है? ये maximum 45 हो सकता है कि पहली बार आपका बहुत बढ़िया लक हो, तो हो सकता है कि पहली बार जो चाबी लगाए उसी से ताला खुल जाए, तो आपको एक भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ना हो, तो मिनिमम हो सकता है, ठीक है ना? बट वो भी श्योर नहीं है, ये श्योर नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है कि आप पहली ताला लगाए चाबी लगाए और ताला खुल गया, जो चाबी लगाए वो ताला खुल जाए, तो एक भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं हो सकता है। तो मिनिमम कैन नॉट बी, इट इज अ प्रोबेबिलिटी, ये श्योर नहीं है, लेकिन ये सब है मैक्सिमम, ये श्योर है कि इससे ज्यादा अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता, इतना ही सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल हो सकता है मैक्सिमम। मिनिमम की गारंटी नहीं दी जा सकती कितना मिनिमम होगा, मिनिमम फिक्स नहीं है, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम फिक्स है कि इससे ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस कि कैसे हम इस क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को जब मैक्सिमम और मिनिमम की बात होगी तो कैसे हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। और भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चंस ऐसा हो कि एक क्वेश्चंस के 3 ही ऑप्शन हो और आप उसका आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, यानी यस कहें या नो कहें या अब्सटेन करें, मतलब कुछ भी नहीं, तो इसका आंसर कैसे तरीके से देंगे? कोई भी आगे सही आंसर नहीं दिया तो क्या होगा? 3 टू द पावर, अगर 5 क्वेश्चन है तो 3 टू द पावर 5 माइनस 1, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 2 टू द पावर 5 माइनस 1, 5 क्वेश्चन थे तो 2 टू द पावर 5 माइनस 1, 6 क्वेश्चन होते 2 टू द पावर 6 माइनस 1, 7 क्वेश्चन होते 2 टू द पावर 7 माइनस 1, अगर हर एक क्वेश्चन के 4 चॉइस होते तो 4 टू द पावर 6 माइनस 1, 6 क्वेश्चन 4 चॉइस, हर एक क्वेश्चन के 4 चॉइस होते एक ही करेक्ट होता, और 6 क्वेश्चन टेस्ट में दिए जाते किसी के भी सही नहीं होते सारे और किसी दो के एक जैसे नहीं होते, तो आंसर 6 टू द 4 टू द पावर 6 माइनस 1, अगर 7 क्वेश्चन होते 4 टू द पावर 7 माइनस 1, इसी तरह से अगर 3 ऑप्शन हो और 5 क्वेश्चन हो तो 3 टू द पावर 5 माइनस 1, ये एक पैटर्न है जिसको आप दिमाग में रख सकते हैं और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं, इस तरह के आंसर दे सकते हैं, ठीक है? तो सारे सही ना होने का क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है और ये आप अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो फिर से वीडियो को दोबारा देखें और दोबारा देखने के बाद आपको कंसेप्ट
क्लियर हो जाएगा। अगर पीछे वाली कोई चीज भूल रहे होंगे तो आपको दिक्कत होगी, अगर पीछे वाली चीज सारी आपको याद होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप सो। और इसके बाद हम फिर क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी कंसेप्ट दोबारा रिवीजन होगी। अभी हम प्राइमरी लेवल पे कंसेप्चुअलिटी पे बात कर रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं, और धीरे धीरे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे बात आगे बढ़ेगी। फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो वो सब बाद में होगा और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होगा, फिर उसके ट्रिक्स भी बताए जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल ये सब चीजें आप अच्छी तरह से याद कर ले, और याद करने के बाद आप क्वेश्चंस करें जो भी आपके पास क्वेश्चंस हो। अगर क्वेश्चंस आपके पास नहीं हो तो आप हमें लिखें, हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके आधार पे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और फिर आप डेवलप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस। कीप वॉचिंग।